नमस्कार प्रिय मित्रजनों, स्वागत है आपका मेरे बजरंगबली यूट्यूब चैनल में। एक नई जानकारी हेतु ये वीडियो बनाई जा रही है। तो देखिए, जो भी चर्चा है वो शास्त्र संबंधित है। इसको आप बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे इस वीडियो को। देखिए, भागवत जब हम कहते हैं तो काफ़ी लोगों के प्रश्न आते हैं, महाराज भूल से हमारे बेटे के हाथ से गाय मर गई है, क्या इतने गांव भीख मांगेंगे तो उद्धार होगा? क्या हम इतनी गाय दान करेंगे तो उद्धार होगा? क्या हम गौशाला में दान करेंगे तो हमसे ये पाप छूट जाएगा? क्या हम गरीब कन्याओं की शादी करेंगे तो पाप छूट जाएगा? भे मूर्खानंदो, अगर तुम गरीब ही नहीं होते तो फिर गाय मारते ही गाय को हैं? भाई तुम गरीब हो तो भी तो तुमने गाय मारी है। खैर छोड़िए, एक वैसा प्रसंग रहा। लेकिन जो लोगों का प्रश्न है, जो आता है, जो शंका है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, जिन लोगों के हाथ से गाय मर जाती है, मारी जाती नहीं है, मर जाती है, जो लोग जानबूझकर ही गाय की हत्या करते हैं, गौहत्या, तो भाई देखो उनका कोई इलाज नहीं है, धरती पे कोई इलाज नहीं है। चाहे कोई तांत्रिक हो, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, वो आपको इस पाप से दूर नहीं कर सकता। ये पाप आपको भोगना ही भोगना है, ये सत्य है। लेकिन भूल से गाय मर जाए तो फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप रामायण उठा के देख लीजिए, आपका पाप दूर हो जाए। तुलसीदास ने भी लिखा है, बड़े बड़े विद्वानों का मत है, गंगा जी के लिए, तरस परस मुख मंजन पाना, मिटे पाप गोघात समाना। ध्यान दें, तरस परस मुख मंजन पाना, तरसने से परसने से, मुख मंजन यानी कुल्ला करने से, तरस परस मुख मंजन पाना, मिटे पाप गोघात समाना। ये गंगा स्नान की मतलब बहुत बड़ी यथार्थ सत्य चीज है। यानी कुल्ला करने से ही अगर आपके हाथ से गाय भूल से मर गई है प्यारे, तब तो मिटे पाप गोघात समाना, तो आपका गंगा स्नान से ही क्षमा याचना करने पर ये पाप दूर हो जाता है। लेकिन आपने जानबूझ के मारी है तो फिर भैया यमराज के लठ ही तुम्हारे पाप धोएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया का चाहे कोई वेदांती आचार्य क्यों ना हो, वो आपसे ठग विद्या तो लगा सकता है, लेकिन तुम्हें इस पाप से रिड नहीं कर सकता है। तो आइए, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, राम नाम का एक कमेंट कर दें, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, जय सीताराम। फिर मुलाकात करेंगे कोई नई रोचक जानकारी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी को ऑल पर प्रेस कर दें, क्योंकि सुबह फिर वीडियो आएगी। इस चैनल पर रोज़ वीडियो आती हैं। धन्यवाद।